أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي العمين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. रवामामबुखारी रामी सही मोहतरम नादरन व सामीन असलकम वरकूक़राज़ इस सीरीज़ में फिर एक मरतबा आप तमाम का इस्तबाल हैं आज का जो हमारा अहम टॉपिक है, है मेहमान व मेज़बान के हकूक़ आज के दर्ज में इस अहम टॉपिक के तहत मेहमान नवाजी की इस्लाम में क्या अहमियत है इस सिलसिले में चंद अहम बातें आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा मेहमान की इज़्ज़त तकरीम और ख़ातिर तवाजो एक माशरती हक़ है और ये मकारी में अखलाक का एक अहम हिस्सा है जिसकी अदाई सिर्फ़ अखलाकी फरीदा नहीं बल्कि तकमिल ईमान की एक अलामत भी है और अम्बियाई कराम की ये सुनत हैं इब्राहीम का अल्लाह ताला ने सुरदारियात में किया है कि इब्राहीम अबालंबिया ख़लील आलतम ने जो है मेहमान नवाजी की थी फ़रिश्तों की जिसका ज़िक्र मैं अगले दर्स में तफ़ी से ज़िक्र करूँगा नबी करीम सल्हस ने फरमाया सही बुखारी की महूर रवायत अबू हरे रदील्हु तस्कर हैं अल्लाह के है। नबी सासम ने फ़रमाया मनखा नान व आखिरी फलील खुर जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की खातिर तोज़ो करें उसकी तक्रीम करें तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्हसम ने मेहमान नवाजी को जो है ईमान बिल्ला ईमान बिल्योमिल आखिर से जोड़ा है क्योंकि तकमिल ईमान की अलामत है नशानी है तो आज हमारे अंदर जो नक्स आया है ईमान में कमी जो आई है मुसलमानों में आज के माहौल में ऐसा लगता मादा प्रस्ती का यह दौर है देखिए लोगों को खाना पिलाना अल्लाह ताला ने अंबिया का ज़िक्र किया कुरान करीम में और अल्लाह के नेक बंदों का मोमिनों के अहम सिफ़ात इबादर रहमान का ज़िक्र जहां अल्लाह ताला, ताला ने किया अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया उनकी एक अहम सिफ़त अल्लाह ताला, ताला ने बताई वीतम तो मस्किन व यतीम व आसरा कि अल्लाह के नेक बंदे महज अल्लाह को ख़ुश करने के लिए उसको राज़ी करने के लिए यतीमों को मस्किनों को और कैदियों को खिलाते हैं ये सिफत अल्लाह ताला ने कई मकाम पर जहां ख़र्च करने का अल्लाह ने ज़िक्र किया मांगने वालों को भी देते हैं अल्लाह वाले और जो महरूम हो जाते हैं उनको भी देते लस्सा अलीवाल महरूम सूरह दारियात में अल्लाह ने एक अदीम सिफत मोमिनों की बताई कि मांगने वाले को भी देते हैं और ना मांगने वाले महरूम जो महरूम होता है शर्म हया उसके अंदर होती हैं सलून्ना सहाफ़ा शुर बकर ने कहा कि वो आगे बढ़ के जो है शर्मया उनको रोकती हैं मांगने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसे बंदों को भी अल्लाह वाले ऐसे होते हैं तलाश करके देते हैं इससे अदीम सिफत यह है मेहमान नवाजी कि किसी की हम तक्रीम करें जो हमारे घर आता है अपना दोस्त की शक्ल में हो रिश्तेदार हो कोई मेहमान उलमा की शक्ल में हो दीगर जिम्मेदारान हो कोई भी हो मेहमान बन के आता है खैर बरकत लेकर आता है वो अपनी तकदीर अपनी तकदीर में लिखा लिखी हुई रोज़ी हमारे घर आकर वो खाता है इसीलिए आज देखें यहाँ पे बर सगीर में जो दस्तरखान भी इस्तेमाल होते हैं सुर्ख रंग के उसमें लिखा होता है बचपन में हम देखा करते थे शुक्र अदा कर खालिक का आमद मेहमान पर शुक्र अदा कर खालिक का आमद मेहमान पर रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर ये जो है अशार उस पर लिखे जाते हैं तो ये बहुत बड़ी इज़्ज़त वाली बात है बरकत वाली बात है इसको जो है खुश दिली के साथ इसको कबूल करना चाहिए और आज जैसे कि बाज़ लोगों में बकीले आ गई मेहमानों की जो ही कोई इज़्ज़त नहीं और ये भी नहीं चाहते अगर मैं आद, आदाब में मैं इसका जिक्र कर उसकी तरफ़ इशारा करूँगा तफसील से जो आज नक्स आ गया है जो ख़लल आ गया है बकीले आ गई लोगों में इसी तरह सही बुखारी की रिवायत में अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बिनास ऱी अल्लामा की जो हदीस जो उनका वाक़ा है उसमें अल्फाज में अवन ज़ैफी का अलैका हक जहाँ अल्लाह के नबी सास बहुत सारे हकूक़ बताए अपने हैं तुम्हारे आँखों का हक़ है तुम्हारे बीवी का तुम पर हक़ बनता है वहीं पर अल्लाह के नबी सासन ने कहा कि तुम्हारे मेहमान पर भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हक़ रखा है कि उसका अदा करना ज़रूरी और इसीलिए देखिए मेहमान नवाजी की इसी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान की खातिर तवाज़ो पर उसकी तकरीम उसकी उसके एहतराम पर अल्लाह के नबी सासन ने काफ़ी उभारा है अमली किरदार भी अल्लाह के नबी सासन ने पेश किया उसका अंदाज़ा उस रिवायत से हम लगा सकते हैं सही बुखारी की जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खा ना यमिन बिल्ला वलियोम आखिर फलियो करम दईफ़ा आगे आपने फरमाया फलियो करम दईफ़ा हूँ जया इज़त हूँ कलु अम जया हूँ या रसोल्ल सल्लाम कल योम हूँ वलई लतु हूँ वियाफ़त सलासत फ़मा वरा अदाली का अल्लाह के नबी सल्ला ने फरमाया जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि मेहमान की तक्रीम करें जायज़े के साथ करनी चाहिए साहबा ने अर्ज़ किया पूछा अल्लाह के रसुल सासम यह जायज़ा क्या है आप सल्ह ने फरमाए एक दिन और एक रात यानी उसमें अपनी ताकत के मुताबिक बेहतर खाना तैयार करें उसके मुकमल जो है जितनी ताकत अल्लाह ने दी है ताकत भर जो है अच्छे से अच्छा उमदा सेमदा खाने की चीज़ें जो है उसको पेश करें और मेहमान नवाजी आपने फ़रमाया तीन दिन तीन दिन मेहमान नवाजी का हक़ बनता है जो उसके अलावा हो वो सदक़ा हैं वो सदक़ा हैं तो पहले दिन इंसान को कोशिश करना चाहिए मेहमान की तकरीम में उसकी खातिर तोज़ों में जो है हसब जो अल्लाह ने दिया है बेहतर से बेहतर उमदा से उमदा जो है ग़ा उसके लिए पेश करें उसका यह हक़ बनता है मेहमान का इस्लाम में जो है बड़ी अहमियत इसकी आई है आगे मैं अगले दरूस में जिक्र करूँगा अम्बिया के राम की ये सुन्नत हैं साहबा ने कैसे जो है इस पर अमल किया अल्लाह के नबी सा आसम ने नबी बनाने से पहले अल्लाह के नबी सा आसम की जो खूबियाँ थी वफसी बातें इन श्ला अगले दुरुस्त में आएँगी अल्लाह से दुआ हैं कि हमें सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने तो की अल्लाह तो फ़िकत फरमाएं मेहमान की खातिर तवाज़ों के सिलसिले में जो आदाब हकूक़ बताए गए अल्लाह ताला का मा हक़ अमल की सादत नसीब फरमाए आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू